आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है और क्वेश्चन है कि द स्ट्रेट लाइन x प्लस वाई इक्वल्स टू के कट द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फोर वाई प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो एट टू पॉइंट्स। देन द सम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के इफ लाइंस जॉइनिंग ओरिजिन टू द पॉइंट सबटेंड राइट एंगल एट द ओरिजिन। सो हमको ये पता है कि स्ट्रेट लाइन एंड कर्व को होमोजेनियस करने पर हमको एक कर्व आता है ना, वो तो लाइन्स जॉइनिंग द पॉइंट कर्व होता है ना। सो एक कर्व को इसको यूज करके होमोजेनियस कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स इंटू वन माइनस फोर वाई इंटू वन प्लस थ्री इंटू वन स्क्वायर का वैल्यू तो जीरो होता है। एक्स प्लस वाई बाई के का वैल्यू क्या होता है, वन होता है ना। ये वन दैट इज वन होने पर हमको इसको सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स इंटू एक्स प्लस वाई बाई के माइनस फोर वाई इंटू एक्स प्लस वाई बाई के प्लस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई के स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई होता है। ओके दोस्तों, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई बाई के स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ओके दोस्तों, इसका वैल्यू फाइंड आउट करो। तो हमको ये क्या होता है, ये तो एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है। स्ट्रेट लाइंस क्या होता है, लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट्स होता है। लाइन ज्वाइनिंग दीज टू इंटरसेक्शन पॉइंट टू द ओरिजिन का दोनों का कंबाइंड इक्वेशन होता है ए। तो हमको क्या दिया है, सबटेंड राइट एंगल एट ओरिजिन। सबटेंड राइट एंगल एट ओरिजिन का मतलब क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। इस इक्वेशन सबटेंड राइट एंगल एट ओरिजिन का मतलब क्या होता है, ए प्लस बी विल बी इक्वल्स टू जीरो। दैट इज एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट प्लस वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट तो जीरो होना पड़ेगा। तो यह एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या होता है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट इक्वल्स टू यह तो वन है, यह तो क्या है माइनस फोर बाई के है ना दोस्तों। तो यह क्या है, थ्री इंटू प्लस थ्री बाई के स्क्वायर। ओके दोस्तों, तो कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या है, वन माइनस फोर बाई के प्लस थ्री बाई के स्क्वायर। ओके दोस्तों, तो ये दोनों का सम तो जीरो होना पड़ेगा, वन माइनस फोर बाई के प्लस थ्री बाई के स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। ये दोनों तो सेम है ना, तो इंटू टू कर दो इज इक्वल्स टू जीरो होता है। तो हमको यहाँ से क्या होता है, टू तो जीरो पर चल जाएगा और हम इसको एलसीएम ले लो, बाई के स्क्वायर माइनस फोर के प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो होता है। तो के स्क्वायर माइनस फोर के प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो, ये होता है हमारा के वैल्यूज को सेटिस्फाई करने वाले इक्वेशन। तो हमको क्या पूछा है, द सम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के। तो इसका रूट तो के वन के टू होता है, दैट इज द रिक्वायर्ड वैल्यूज। तो ये दोनों का सम क्या होता है, के वन प्लस के टू दैट इज द रिक्वायर्ड वैल्यू इज इक्वल्स टू के कोएफिशिएंट नेगेटिव ऑफ के कोएफिशिएंट दैट इज माइनस ऑफ माइनस फोर बाई वन होता है। इसका वैल्यू तो फोर है ना, तो हमारा रिक्वायर्ड सम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के क्या होता है, फोर होता है। फ्रॉम द ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो के वन प्लस के टू सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस ऑफ के कोएफिशिएंट बाई के स्क्वायर कोएफिशिएंट दैट इज माइनस ऑफ माइनस फोर बाई वन दैट इज इक्वल टू फोर। ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर दोस्तों। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।